प्रकार से आज जो ये रेलवे रोड के ऊपर खोखे और कच्ची दुकानें हटाने की प्रक्रिया कर रही है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, सिविल हॉस्पिटल के सामने रेलवे रोड पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के लिए पहले भी रेलवे बोर्ड में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर जिन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे, एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है कि आप अपना सामान हटा लें, ये एंक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं हटाए हैं, तो नियमानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशेंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या सर, कब तक चलेगी ये कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई अभी शुरू हुई है तो जल्दी से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे भी जितने लोग हैं उन्हें पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि वो कोऑपरेट करें, जिससे उनको भी कोई समस्या नहीं हो और उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। बट आज की कार्रवाई में पुलिस का और बाकी सारे प्रशासन का कोऑपरेशन करें। जैसे अब दुकानदार अपने दुकानों से सामान निकालने लगे हैं, तो क्या उनको अब टाइम दिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पहले उन्हें 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फोर्स वाली उनका सामान बाहर डालना शुरू कर दिया है, बट अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा, तो मतलब क्या बोले, बट अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना सामान हटा दीजिए, जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, कोऑपरेट करें, अपना सामान हटा लें, जिससे किसी को भी कोई असमस्या ना हो।